नाचेंगे ऐसे हम, नाचेंगे ऐसे हम, नाचेंगे ऐसे हम, नाचेंगे वो क्या आज देखे जरा, इसमें कितना है दम, जम के रखना कदम मेरे साथिया। जी हाँ, बिल्कुल यही कुछ कहा होगा राहुल द्रविड़ ने और अपने साथी खिलाड़ियों से और तमाम खिलाड़ियों से जो अंडर 19 टीम के उनके जो शिष्य थे उनसे यही कहा होगा कि जम के कदम रखना, और ऐसा ही जम के कदम रखा और अंडर 19 की चैंपियन बन गई है टीम इंडिया। हमारे साथ हमारे खास मेहमान मौजूद है, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट अमित भंडारी, साथ ही साथ वॉइस ऑफ दिल्ली गौरव भी हमारे साथ हैं, और गौरव हमें ऐसे ही यहाँ पे एंटरटेन करते रहेंगे, उनसे हम गाने सुनते रहेंगे, और अमित भाई हमें एनालिसिस करते रहेंगे इस मैच का। हमारे साथ तमाम हमारे संवाददाता भी होंगे जो अंडर 19 टीम के खिलाड़ियों के घर से हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनसे भी बातचीत करेंगे, आपको रिपोर्ट भी दिखाते हैं किस तरीके से भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। पहले 6 तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से देश में जश्न मनाया जा रहा है अंडर 19 टीम के विश्व विजेता बनने पर। अमृतसर की तस्वीर आप देख सकते हैं, वाराणसी से भी देख सकते हैं, मुंबई पृथ्वी शॉ जो कि कप्तान है उनका घर, वहां से जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। नोएडा में शिवम मावी जो कि टीम इंडिया के पेसर है उनके घर में जश्न का माहौल नजर आ रहा है, और हर तरफ जश्न का माहौल है अंडर 19 टीम की जीत पर। फाइनल मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के साथ था और ऐसा लग रहा था कि ऑस्ट्रेलिया से टक्कर तो टीम इंडिया को जोरदार मिलेगी, लेकिन टीम इंडिया ने एक तरफा तरीके से मैच को अपने नाम कर लिया, चौथी बार भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप का चैंपियन बना है। बड़ी जीत है, ऐतिहासिक दिन है भारतीय क्रिकेट के लिए, क्योंकि अंडर 19 क्रिकेट से ही बड़े सितारे मिलते हैं, चाहे विराट कोहली की बात कर लें, रविंद्र जडेजा की बात कर लें, मनीष पांडे की बात कर लें, तमाम वो नाम जो कि इंडियन टीम में खेले बाद में जाके जिन्होंने अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता था, मोहम्मद कैफ, युवराज सिंह की भी बात कर लें, हमारे तमाम संवाददाता देश भर में जो वर्ल्ड कप विनिंग टीम है उनके घर पर मौजूद है, उन खिलाड़ियों के घर पर मौजूद है। अर्पणा त्यागी, मनजोत कालरा जो कि मैन ऑफ द मैच है फाइनल के उनके घर से मौजूद हैं, दीक्षा पांडे शिवम मावी के घर में मौजूद हैं, और विशाल चंडीगढ़ से मौजूद हैं, शुभम गिल के यहाँ से जो कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुए, और पंकज भी हमारे साथ जुड़ेंगे पृथ्वी शॉ के घर से। सबसे पहले विशाल के पास चलते हैं। विशाल, आज तो पूरे दिन जश्न रहा होगा शुभमन गिल के घर में, क्या कुछ कहना है उनके पेरेंट्स का और उनके जो परिवार वाले उनका? जी बिल्कुल, जिस तरह से आज का दिन था काफ़ी खास दिन था, और भारत के लिए भी खास दिन है क्योंकि आज जो है चौथी बार जो वर्ल्ड कप पर जीत दर्ज की है। और अगर हम बात करें शुभमन गिल की, तो उनका पूरा का पूरा जो सफ़र था इस टूर्नामेंट में बहुत अच्छा रहा, पाकिस्तान के अगेंस्ट उन्होंने सेंचुरी भी लगाई, और आज चाहे उन्होंने थोड़े रन बनाए लेकिन उनका सफ़र जो था काफ़ी अच्छा रहा। उनके माता जी फिलहाल हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जानेंगे। मैम, आज भारत जीत गया है, बहुत अच्छी तरह से पूरा पूरा टूर्नामेंट उन्होंने खेला है, अगर हम शुभमन गिल की बात करें तो बेहतरीन प्रदर्शन जो है उनका रहा है। जी हाँ, शुरू से ही उसका जो परफॉर्म थी बहुत अच्छी रही है पूरे टूर्नामेंट में, मैं तो ये कहूँ कि पूरी टीम की जो परफॉर्म है बहुत अच्छी रही, तो यही जो हमारी टीम की जो अच्छी परफॉर्म होने की वजह से हम सेमीफाइनल जीते, उसके बाद हम फाइनल में आए और वर्ल्ड कप जीते, मैं तो पूरे का पूरा जो क्रेडिट है पूरी टीम को दूंगी। जिस तरह से जश्न की बात की जाए तो आज हमने देखा कि पूरा दिन भर जो है सुबह 6 बजे से जो आपकी सोसाइटी वहाँ पर जश्न रहा, अब शाम का वक्त है, तो किस तरह का जश्न जो है इस जीत को लेकर रहेगा? सर, अभी जो फ्रेंड्स अभी इकट्ठे होके हम अपने इकट्ठे बैठ के खुशी जो इन्जॉय करते हैं, अभी यहाँ से फ्री होते हैं तो जाते हैं फिर इन्जॉय करते हैं बाहर। शुभमन से कोई बात हुई है अभी तक? नहीं, उससे बात नहीं हो पाई अभी। विशाल, हम ये भी जानना चाहेंगे कि मनजोत को क्या गिफ्ट देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स, शुभमन गिल को क्या गिफ्ट देना चाहेंगे उनके पेरेंट्स? भारत ने जीत जी, किस तरह का गिफ्ट जो है वो जब यहाँ पर आएगा तो किस तरह का गिफ्ट उनको देना चाहेंगे? वो सर उन्होंने सरप्राइज ते गिफ्ट उन्होंने सबनों पहले दे, मैं अपनी दोनों बाहों च लेके बहुत प्यारी जफ्फी दूंगा। जी हाँ विशाल, हम समझ सकते हैं कि उनके पेरेंट्स जो हैं वो कह रहे हैं कि सरप्राइज गिफ्ट कुछ देंगे। दीक्षा के पास चलते हैं। दीक्षा, क्या माहौल है शिवम मावी के घर पर इस वक्त, क्योंकि दिन भर हमने देखा वहाँ ढोल नगाड़े बजते रहे, मिठाइयाँ भी डिस्ट्रीब्यूट होती रही, सेलिब्रेशन पूरा चलता रहा, अभी क्या माहौल है वहाँ पे? भारत के लिए इससे ज़बरदस्त जीत और कोई नहीं हो सकती, और जिस तरह से पूरे देश में जश्न का माहौल है उसी तरह शिवम के घर भी यही माहौल था, और काफ़ी खुशी, यहाँ पर उनका परिवार मौजूद है, उनकी माता जी भी मेरे साथ हैं, आप लगातार मैच के दौरान प्रार्थना कर रही थी भगवान से, आखिरकार भारत जीत गया, तो क्या अभी आपका रिएक्शन है? मेरे तो यही है, मैं सबको धन्यवाद देती हूँ पूरे देश को कि सबका आशीर्वाद रहा है, और भगवान की तो कृपा है ही है और सबका आशीर्वाद भी है, और राहुल द्रविड़ का तो पूरा पूरा श्रेय उन्हीं को जाता है,
और मैं चाहती हूँ कि उनको तो मतलब बहुत अच्छा ही, ऐसा कोच होना बहुत मुश्किल है, और तो कोई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लेकिन राहुल द्रविड़ तो बहुत ही अच्छे हैं। अब भारतीय टीम की वजह से और शिवम की वजह से भारत को फख्र महसूस हो रहा है, वो आपका बेटा है, कैसा, किस तरह का भावना अंदर आ रही है आपको? जी भारत का, मैंने तो पहले भी कह चुकी हूँ कि भारत का, पूरे भारत का बेटा मेरा नहीं है जी। और मुझे बहुत गर्व की बात है, बहुत खुशी की बात है कि आज मुझको शिवम की वजह से जाना जा रहा है कि उनके माता पिता। दीक्षा, उनसे ये भी पूछिए कि जब शिवम वापस आएंगे तो उनके लिए किस तरीके का सेलिब्रेशन होगा, क्या पार्टी करेंगे? जी जाहिर सी बात है, शिवम ने पूरे देश को गौरवान्वित किया है, तो किस तरह से स्वागत होने वाला है शिवम का? स्वागत देखो अच्छा ही होगा, अभी तो शिवम से बात करेंगे और आगे को अभी तो कोई प्लान नहीं किया है, और शिवम से बात करके तब करते हैं। देखो सोसाइटी में किस तरह का माहौल है, लोग आ रहे होंगे लगातार मिलने आप लोगों से? बहुत ज़्यादा उत्साह है, बहुत ज़्यादा, छोटों को बड़ों को सबको ही, और सुबह से सब लाइन लगी पड़ी है यहाँ पे, हमन पे भी आए हैं और उन्होंने टीवी भी देखा यहाँ पे। जी हाँ दीक्षा, हम देख रहे हैं कि काफी वहाँ पे एक्साइटमेंट है और हर किसी को गर्व है शिवम मावी पे, जिस तरीके की उन्होंने गेंदबाजी की। मेरे साथ अमित भाई भी हैं और उनकी पेस बॉलिंग के बारे में उनसे भी बात करेंगे, लेकिन हमारे साथ वॉइस ऑफ दिल्ली गौरव भी है। तो गौरव, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस शिवम मावी की रही है इस पूरे टूर्नामेंट पर, ऐसा लग रहा है कि भारत को एक अच्छा पेस गेंदबाज मिल गया, उनके लिए कुछ हो जाए। एक शेर अर्ज करना चाहता हूँ मैं अपने भारत के लिए। बिल्कुल, आंखों में मंजिलें थी, गिरे और संभलते रहे, हवाओं में कदम था, हम हिंदुस्तानियों की जीत के चिराग तो आंधियों में भी जलते। वाह वाह वाह। बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो, कोई हमसे जीत न पावे, चले चलो चले चलो, मिट जावे जो टकरावे, चले चलो, बार बार हाँ बोलो यार, हाँ अपनी जीत हो उनकी हार, हाँ। हमारी शानदार जीत हुई है, अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियन टीम इंडिया बन गई और यंग गन्स ने जो कमाल करके दिखाया। अमित भाई, हर अंडर 19 वर्ल्ड कप आपको कुछ सितारे देखे जाता है, और मैं अगर पिछले अंडर 19 वर्ल्ड कप की बात करूं, आपके पास ऋषभ पंत आए जो कि बिल्कुल फ्यूचर की एक होप कहे जा रहे हैं, उनको आपने डेब्यू भी करा दिया। इस टीम से आपको क्या लग रहा है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं जो इंडिया खेलेंगे? देखिए कहना मुश्किल है क्योंकि परफॉर्मेंस सबने की है, आप बेशक ओपर से मंजोत काला की बात कर लो, पृथ्वी शॉ की, शुभम गिल की, बॉलिंग में शिवम मावी हो गया, नागकोटी हो गया, ईशान पर, कई प्लेयर्स हैं जिसके जिन्होंने परफॉर्म किया, पर रविश मैं एक ही बात करूंगा, ये अंडर 19 का वर्ल्ड कप था, आप अपने एज ग्रुप में खेले हैं जी। और आप चैंपियन बने हैं, अब इसके आगे जो प्रोसेस है जो है आपका अंडर 23 है, शुरू हुई है कहानी, यहाँ से शुरू हुई है क्योंकि आपके यहाँ से कहानी स्टार्ट हुई। अब आने वाली जो प्रोसेस है आपका जहाँ पर इंडिया ए टूर होगा, अंडर 23 इंडिया होती है, रणजी ट्रॉफी, वहाँ आप अपने आप को कैसे अडेप्ट करते हैं, कैसी परफॉर्मेंस करते हैं, वो बड़ा मायने रखता है वाला स्टेप, क्योंकि आप जब अपने एज ग्रुप से बाहर निकलेंगे और सीनियर में जाएंगे वो स्टेप बड़ा अहम होगा। राहुल द्रविड़ ने आपको वो स्टेप सिखा दिया, अब आगे आपको खुद चलना है। जी हाँ, चलिए पंकज हमारे संवाददाता पृथ्वी शॉ जो कि कप्तान है, उनके घर से जुड़ गए हैं, और पंकज क्या कुछ कह रहे हैं पृथ्वी के जो पिता हैं, क्योंकि पृथ्वी ने तो डोमेस्टिक सर्किट में इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया क्योंकि उनका नाम पहले ही आ गया था, उसके बाद रणजी ट्रॉफी में हंड्रेड्स उन्होंने लगाए और अब अंडर 19 वर्ल्ड कप के चैंपियन कप्तान भी वो बन गए। देखिए रवीश, यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है, यहाँ पर फिलहाल उनके घर से कोई जो है वो बाहर नहीं आ रहा है, माना जा रहा है कि वो लोग लगातार इस पूरे मैच को बहुत ही ध्यान से देख रहे थे और इसके पिताजी थे काफी गंभीर थे इस पूरे मैच के दौरान, क्योंकि लेकिन पंकज अब तो मैच खत्म हो गया है, अब तो जश्न मनाने का मौका है, अब परिवार वाले आप क्यों नहीं बात कर रहे? जी बिल्कुल, देखिए अभी तक परिवार का कोई भी सदस्य जो है वो नीचे नहीं आ रहा है, जश्न जो यहाँ पर लोग मना रहे थे, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पहुंचे थे, ढोल नगाड़े बज रहे थे, पूरे इलाके के लोग जो है वो नीचे उतर आए थे, लेकिन घर वाले जो है वो बाहर नहीं निकल पाए हैं। हमने जो घर के करीबियों से बात की, उनका यही कहना है कि वो अभी भी इमोशनल है और वो शायद। जी हाँ पंकज, बिल्कुल कई बार ऐसा होता है कि परिवार वाले, कई बार जैसे हम शिवम मावी के घर गए थे, उनकी मम्मी का कहना था कि नहीं मैंने तो पूरा मैच ही नहीं देखा, तो कई बार ऐसा होता है, तो शायद पृथ्वी शॉ के परिवार वाले भी यही सोच रहे हो। बड़ा दिन बड़ी जीत, अंडर 19 वर्ल्ड कप की चैंपियन बनी है टीम इंडिया, चौथी बार ऐसा हुआ है जब भारतीय टीम ने अंडर 19 वर्ल्ड कप को
जीता है। मंजोत कालरा फाइनल के हीरो, मैन ऑफ द मैच और शतक उनके बल्ले से निकला। अर्पणा त्यागी हमारी संवाददाता उनके घर पर मौजूद है। अर्पणा, क्या माहौल है मंजोत के घर में? आज तो हर जगह बल्ले बल्ले हो रही होगी वहां पे। जी बिल्कुल रवीश, आज हर जगह बल्ले बल्ले हो रही है। सुबह से फ्रेंड्स एंड फैमिली सब की विशेज आ रही हैं और आपको मैं अपने साथ में दिखा दूं कि यहाँ पर अभी तक सब इतने खुश हैं कि सारे जितने भी फ्रेंड्स और फैमिली हैं सारे एक साथ चीयर अप कर रहे हैं मंजोत को, और अभी उसको मिस भी कर रहे हैं और बहुत खुश भी हैं। सुबह से ही यहाँ पर ऐसे ही चीयर अप चल रहा है, ढोल बज रहा है। इस वक्त उनके जो फादर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे सबसे पहले बात करेंगे। सर, आज मंजोत हीरो बने हैं और उनको जो इंडियन क्रिकेट में आज वो मैन ऑफ द मैच उनको मिला है, कितने खुश हैं? वेरी हैप्पी, बहुत ज़्यादा खुश हूँ। सुन के बोलो, कितना संघर्ष रहा है मंजोत को यहाँ तक पहुँचाने? ये मैंने पहले बोला ना, वो ये कोच लोग बैठे हैं। आप जी हाँ, अपना वहाँ पे उनके दोस्त भी हैं, मैं चाहूँगा उनसे भी आप बातचीत करवाएं। जी रवीश, दोस्त जो हैं उनसे भी बात कराते हैं, लेकिन उनसे पहले उनके कोच हैं, उनसे बात करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मंजोत को कितना आपने उसको मोटिवेट किया है, कैसा रहा है मंजोत स्टार्टिंग से? मंजोत स्टार्टिंग से ही अच्छा बच्चा था, अच्छा टैलेंटेड बच्चा था शुरू से ही, बाकियों से बहुत अलग था शुरू से, और बहुत ओबीडिएंट बच्चा था। उसमें ज़्यादा हमें मेहनत करनी नहीं पड़ी उसके साथ, थोड़ा बताओ वो ज़्यादा करता है, उसमें टैलेंट भरपूर भरा है, भरपूर टैलेंट है जी, और बहुत आगे तक जाएगा। अर्पणा, जरा ये भी पूछिए उनके कोच साहब से कि ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जो पहला मैच था इस अंडर 19 वर्ल्ड कप का, उसमें भी अच्छी परफॉर्मेंस और फाइनल मैच में भी अच्छी परफॉर्मेंस, तो क्या ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी रास आ रही है मंजोत कालरा को? जी बिल्कुल, मंजोत के लिए ये जो मैच था, ऑस्ट्रेलिया में भी अच्छी परफॉर्मेंस की और इस बार भी अच्छी परफॉर्मेंस की है, तो क्या ये एक्सपेक्टेड था? एक्सपेक्टेड था, पीछे अच्छी इनिंग्स खेली है पर उसने उसको लंबी इनिंग्स में कन्वर्ट नहीं कर पाया था, तो उससे ये बात हुई थी, कल ही बात हुई थी कि बेटा इसमें कन्वर्ट करना है इसको लंबी इनिंग में, और उसने उस बात को सुना और एक गिफ्ट दिया है। मैंने उसका बर्थडे था, मैंने उसको बोला था आप आओगे आपका गिफ्ट सरप्राइज है, पर मेरे को एक गिफ्ट चाहिए आपसे, वो गिफ्ट उसने आज मेरे को दिया, मैं बहुत खुशी है इस बात से। जी अर्पणा, सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइंग यही होता है कि आप फाइनल में जब शतक बनाते हैं तो उसका इम्पैक्ट एक अलग होता है, और बड़े खिलाड़ी की पहचान वहाँ से होती है कि जब बड़ा मैच होता है उसमें आप शतक बनाए, और ऐसा ही कुछ करते हुए मंजोत कालरा भी नजर आए। हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए, हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट भी हमारे साथ बने हुए, और गौरव से तो मैं उम्मीद करूंगा कि एक जोरदार गाना हो जाए। यारो जीब के झील पर लगता है आजकल गौरव ना आएगा, यारो जो खुद पे हो यकीन है जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा, लगता है आजकल दौर अपना आएगा, यादों जो खुद पे हो यकीन तो जिंदगी हंसी तुझे कल बुलाएगा, है जुनू सा सीने में, सात आसमां चीरे सात समंदर पीरे, चल सात सुरों में कर देंगे ऐलान, जरूरत है तो रोको और हिम्मत है तो बांधो, चल आज हथेली पर रख दिए जान, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, खून में तेरे मिट्टी मिट्टी में तेरा खून, ऊपर अल्लाह नीचे धरती बीच में तेरा जुनून हिंदुस्तान। जी हाँ बिल्कुल, हिंदुस्तान का ही जलवा है और कह सकते हैं यंगिस्तान का जलवा है, जिस तरीके की परफॉर्मेंस अंडर 19 वर्ल्ड कप में यंग टीम इंडिया ने दिखाई, चैंपियन टीम इंडिया बन गई और चौथी बार अंडर 19 वर्ल्ड कप भारत ने जीत लिया, और इस जीत के सबसे बड़े हीरो रहे यानी कि फाइनल मैच में मैन ऑफ द मैच मंजोत कालरा। मंजोत कालरा के हम घर भी जाएंगे, लेकिन अमित भंडारी पूर्व क्रिकेटर हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। अमित भाई, बहुत एलिगेंट ये बल्लेबाज लग रहे हैं और रेंज ऑफ शॉट्स भी हम देख रहे हैं कि बहुत सारी है, और कई शॉट्स तो ऐसे थे स्टैंड एंड डिलीवर, हिले भी नहीं अपनी जगह से, चौका चला गया वहाँ पे, कैसे रेट करेंगे आप इस खिलाड़ी को, इस लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज को? देखिए रेट तो बहुत करना पड़ेगा क्योंकि अलग ही क्लास दिखी है,
अगर आप दोनों ओपनर्स की बात करो, पृथ्वी शॉ ऑलरेडी रन ट्रॉफी में अपना डेब्यू कर चुके हैं, वहाँ 5 शतक भी लगा चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, वहीं मनजोत कालरा अपने आप को एस्टेब्लिश कर रहे हैं जूनियर क्रिकेट थ्रू, और मुझे उम्मीद है कि आने वाले टाइम या इस सीजन वनडे की टीम में ऐड हो जाए शायद दिल्ली के लिए, या नेक्स्ट सीजन रणजी ट्रॉफी टीम में ये जरूर वॉक इन करेंगे, क्योंकि टैलेंट रुक नहीं सकता, क्योंकि ऑलरेडी इसने फाइनल में अपनी मेच्योरिटी लेवल दिखा दिया है, ये किस स्टेज के प्लेयर हैं और ये क्या कर सकते हैं। और जिस तरह से पूरा वर्ल्ड कप देखा जाए, हमारे ओपनर्स ने इतना अच्छा स्टार्ट दिया हर मैच के अंदर, और जिस तरह से मनजोत ने बैटिंग किया फाइनल के अंदर, एक चीज दिखाई है कि जब तक मैच खत्म ना हो जाए अपना विकेट का उन्होंने टैग जो प्राइस रखा हुआ था वो रखा रहा। ये तो नई ब्रीड है ना इंडियन क्रिकेट की अमित भाई, जो ये चीज सीख रही है, ये चीज सीख रही है विराट कोहली से, कि अगर आपने मैच में अच्छा स्टार्ट लिया, आपका स्कोर अच्छा बन गया, तो उसको फिनिश करके आइए। ये आप सेमीफाइनल में भी देखिए, शुभमन गिल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की थी, अच्छा स्कोर बनाया था पाकिस्तान के खिलाफ। चलिए मनजोत कालरा के घर हम चलते हैं, अर्पना त्यागी हमारी संवाददाता वहां पर मौजूद है। अर्पना, वहां पर उनके कोच भी मौजूद होंगे, उनसे जरा पूछिए किस तरीके की तकनीक और क्या स्पेशलिटी है इस बल्लेबाज की जो स्कोर आगे ले जाएगी। सर, आपसे जानना चाहेंगे मनजोत की क्या स्पेशल टेक्निक है जो उसको और आगे तक ले जाए। मनजोत टेक्निकली अच्छा है, सबसे बड़ी उसकी क्वालिटी है हैंड आई कोऑर्डिनेशन, वो बॉल को बहुत जल्दी पिक करता है, उसके बाद एक एक्स्ट्रा टाइम है उसको बॉल को खेलने के लिए, जिससे उसकी अच्छी टाइमिंग होती है, इसलिए ऊपर की क्रिकेट खेलने के लिए ये एक क्वालिटी होना बहुत जरूरी है, वो उसमें एक्स्ट्रा टाइम है उसके पास खेलने के लिए। जी अर्पणा, ये भी जरा पूछिए उनके कोच से कि फाइनल मुकाबले में शतक और वो भी न्यूजीलैंड की कंडीशंस में, ये कितना मनोबल बढ़ाएगा मनजोत कालरा का कि आप एक ऐसी जगह पे एक क्रिकेट खेल ले जहां पे भारत के बल्लेबाज ज्यादा सक्सेसफुल नहीं होते, वहां जाके और फाइनल में शतक लगाना। जी सर, न्यूजीलैंड की कंडीशन में जैसे जहां पर इतना आसान से नहीं होता है किसी भी भारतीय के लिए शतक बनाना, ऐसे में कितना मनोबल बढ़ाएगा ये? बहुत ही मनोबल बढ़ाने वाला है, क्योंकि अभी हमारी जो सीनियर टीमें जाती हैं वहाँ पे वो उस टीम में काफ़ी स्ट्रगल करती थी, लेकिन अभी आप देखेंगे कि अंडर 19 के बच्चे इतना अच्छा वहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं जी, इससे ज़रूर उनको भी लगे कोई इतना बड़ा नहीं है, आपको थोड़ा सा जाके वहाँ पे अपना कॉन्फिडेंस लेवल को ऊँचा दिखाना है, बस और कुछ नहीं है। और मनजोत के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि जो उसकी स्पेशल क्वालिटी है वो उसका कॉन्सेंट्रेशन लेवल है। रवीश, यहाँ पर कुछ लोग और मौजूद हैं जो जी अर्पणा, आप वहाँ पे बने रहें और लगातार हम आपके पास बातचीत करते रहेंगे। लेकिन इस पूरी अंडर 19 वर्ल्ड कप की अगर कैंपेन पर आप नजर डालें, एक ऐसा खिलाड़ी राहुल द्रविड़, 2007 में राहुल द्रविड़ भारत के कप्तान थे और भारतीय टीम पहले ही राउंड से बाहर हो गई थी, तो स्टोरी याद आती है चकदे फिल्म की, कबीर खान फिर कोच बन के आते हैं और टीम को जीत दिलाते हैं। शिवम मावी, कमलेश नागरकोटी, भारत की पेस बैटरी की जान शिवम मावी के, चलते हैं दीक्षा पांडे हमारी संवाददाता वहां पे मौजूद है। दीक्षा, क्या नजारा है इस वक्त वहां पर? शिवम मावी समेत पूरे भारतीय टीम की वजह से देश का जो सर है वो गर्व से ऊंचा हुआ है, लेकिन खास तौर पर अगर हम बात करें रवीश, तो यहाँ पर शिवम की दादी मौजूद हैं जो कि उम्र काफ़ी ज़्यादा है, उनकी घुटनों में दर्द रहता है, लेकिन भारत की जीत के बाद से वो लगातार उन्होंने जमकर डांस किया है, हम उन्हीं से बात करेंगे। दादी जी, कितनी खुशी हुई आपको आज भारत की जीत हुई? तो बहुत बताना जितनी खुशी आज मुझे हुई, मेरा पोता भारत देश को देश जीत कर लाया। आपका लाडला शिवम काफी उसने अच्छा खेला है, तो बहुत बढ़िया खेला बेटी, बहुत। आपने कितना आशीर्वाद दिया था उन्हें? बहुत घना। तो वर्ल्ड कप जीत में सारे खिलाड़ियों का कंट्रीब्यूशन रहा, अभिषेक शर्मा उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है इस जीत पर, आइए आपको सुनवाते हैं। मेरे मन में बहुत खुशी है कि मेरा बेटा इस टीम का हिस्सा है, और वो जितनी भी मैचेस हुए हैं उनमें से सब ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, अभिषेक शर्मा आने वाले टाइम में और बढ़िया परफॉर्मेंस देगा। बहुत बहुत खुशी हो रही है कि वो आज जीत के आ रहे हैं, इंडिया वर्ल्ड कप लेके आ रहा है, हमें बहुत खुशी है, सेलिब्रेट करेंगे, बहुत फन करेंगे, समझ नहीं आ रही क्या करें, पागल हो गए हम, बहुत मजा आ रहा है। हाँ जी, बड़ी खुशी है ये जी, और यही कहना चाहूंगी कि बच्चे हो, इंडिया टीम चाहे और विराट कोहली नाल खेले, बहुत खुशी हुई है जी, बहुत ज्यादा। अमित भाई, आप तो खुद भी तेज गेंदबाज रहे, भारत का जो पेस अटैक था इसमें उसको आप कैसे देखते हैं, शिवम मावी और नागरकोटी का जो कॉम्बिनेशन रहा? देखिए, इन दो गेंदबाजों ने बहुत ब्रिलियंट बॉलिंग की है, पर एक बॉलर में हमेशा कहूंगा जिसको किसी ने भी तारीफ नहीं की, ईशान पोरल सेमीफाइनल फाइनल के अंदर जी, क्योंकि देखिए एक प्लेयर जब इंजरी से आता है आसान नहीं होता, उसने वो परफॉर्म किया सेमीफाइनल और फाइनल में। बाकी शिवम मावी और नागरकोटी ने ब्रिलियंट बॉलिंग की है, दोनों ने 140 प्लस डाली है, मैंने पहली बार देखा कि अंडर 19 लेवल पे इतना कंपटीशन था बॉलिंग के अंदर,
कि किसको पिक करें किसको ना पिक करो, तीनों ने ही मुझको लगता है कि ब्रिलियंट बॉलिंग की। जी हाँ, और रियान हैरिस जो कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व खिलाड़ी रहे, उन्होंने तो ये कहा कि इंडिया की तरफ से हम स्पिनर सुनते थे, ये इतने तेज गेंदबाज कहाँ से आ गए, लेकिन जबरदस्त परफॉर्मेंस रही, एक तरफा टूर्नामेंट को जीता कोई भी टीम, भारतीय टीम के सामने टिक नहीं पाई। तो अंडर 19 के वर्ल्ड चैंपियन अब हम हैं, हमारे साथ अमित भाई जुड़े थे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और गौरव वॉइस ऑफ दिल्ली से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जबरदस्त एक गाना हो जाए भारतीय टीम की इस शानदार जीत पर।